टू पेन लाइफ में आपका स्वागत है। फॉर द लेटेस्ट अपडेट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु सिंह रुपाई लाइफ पे आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करेंगे गोपाल सर से, जो देखते हैं कि रिफाइनरी के किस यूनिट के विषय में आज हमें बताएंगे। नमस्कार गोपाल सर, आपका रुपाई लाइफ पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो रिफाइनरी के विषय में आप हमें बताने वाले हैं, उसकी किस यूनिट के विषय में आज हमें बताएंगे आप? एक्चुअली मैं DHDS यूनिट के बारे में बताएंगे। DHDS यूनिट के बारे में, तो सर यूनिट के विषय में चर्चा करने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपसे चाहता हूं, जिससे दर्शक को पता चल जाए। मेरा नाम गोपाल मैती है जी, पूर्व मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूं। वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे पहले भी हम सर से मिले थे, वो भी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो उनसे कहा था हमने कि सर अब यहां से जाने से पहले आपका तो जो फेवरेट यहां का आपका रसगुल्ला है वो जरूर टेस्ट कराइएगा हमें। तो आपसे भी वही विनती है कि इंटरव्यू के बाद रसगुल्ला टेस्ट कराइएगा। तो इसी वार्ता को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। तो आप DHDS के विषय में सर आज हम जो है वार्ता चलेगी, तो DHDS सर क्या है एग्जैक्टली? एक्चुअली DHDS जो है डीजल हाइड्रो डिसल्फ्यूरेशन जी, इसका फुल फॉर्म है। जो डीजल हाइड्रो डिसल्फ्यूरेशन यूनिट है DHDS, वो एक क्वालिटी अपग्रेडेशन यूनिट है रिफाइनरी का। रिफाइनरी का प्राइमरी यूनिट होता है, सेकेंडरी यूनिट होता है, उसके सिवा भी एक यूनिट होता है जो क्वालिटी अपग्रेडेशन यूनिट। तो DHDS क्वालिटी अपग्रेडेशन यूनिट में आता है। सर इसका फीड जो है वो फीड कहाँ से आता है? फीड आता है CDU जो है, क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट है, उसका हेवी गैस ऑयल आता है जी। और वैक्यूम डिस्टिलेशन भी गैस ऑयल जो होता है बनाता है, वो गैस ऑयल आता है। और RFCC का भी गैस ऑयल आता है, RFCC का भी गैस ऑयल है। तो जो यूनिट DHDS है, डीजल हाइड्रो डिसल्फ्यूराइजेशन यूनिट, तो इसमें हमारा मेनली डीजल ही बनता है। तो ये आपके रिफाइनरी की सेकेंडरी यूनिट है, क्वालिटी अपग्रेडेशन यूनिट है। तो सर ये जो यूनिट है इसके कितने सेक्शन है? इसका जो एक्चुअली में फीड में आता है, जो फीड होता है ना सल्फर कंटेंट फीड, जिसको हम लोग सावर डीजल बोल सकते हैं जी। तो सावर डीजल को हम लोग प्रोसेस करके और सल्फर हटा के और कुछ इम्प्योरिटीज जो रहता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन उसको हटा के हम लोग स्वीट डीजल बनाते हैं। स्वीट डीजल, तो इसका जो सेक्शन का बारे में बात करना चाहता हूँ, तो उसको दो सेक्शन है, HP सेक्शन, हाई प्रेशर सेक्शन और LP सेक्शन, लो प्रेशर सेक्शन। तो सर इसमें थोड़ा सा डिटेल में मतलब हम जानना चाहेंगे कि जो HP सेक्शन है, HP सेक्शन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, HP सेक्शन क्यों कहते हैं उसे? एक्चुअली वो हाई प्रेशर सेक्शन, क्योंकि जो हमारा जो रिएक्टर में एक कैटलिस्ट यूज कर जाता है जी, तो कुमो कैटलिस्ट, कोबाल्ट मॉलिब्डेनम कैटलिस्ट, उसको हाई प्रेशर में वो काम करता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जी। तो इसीलिए उसका प्लांट का डिजाइन जो है, रिएक्टर का सेक्शन, रिएक्टर फर्नेस और कुछ हीट एक्सचेंजर का सेक्शन है, वो HP सेक्शन का अंदर ही आता है। अच्छा। तो उसके बाद ही वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे वो कोमो कैटलिस्ट एक्टिव होता है और रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है। तो सर इसमें जो आपका फीड है, आपने बताया कि हाई सल्फर फीड यूज़ कर रहे हैं हम, तो एक यूनिट और भी है डीजल की, DHDT। तो वो यूनिट भी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर है, ये दोनों सेम ही हैं या अलग हैं? एक्चुअली जो DHDT सेक्शन है वो तो न्यू आया है जी, तो DHDT होता है जो DHDS से भी ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा प्रेशर, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, मैंने DHDS से भी ज़्यादा, क्योंकि जो DHDT है वो DHDS से अलग है। इससे क्या, उसका जो टेम्परेचर और प्रेशर है उसमें हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन अच्छा होता है, जो एरोमेटिक वगैरह रहेगा और जो ऑलिफिन रहेगा तो उसको सैचुरेट करके पैराफिनिक करता है, जिनसे वो डीजल का सीटन नंबर इंक्रीज होता है, इम्प्रूव होता है। अच्छा। हमारे DHDS यूनिट में कबोली डिसल्फ्यूरेशन रिएक्शन होकर वो सल्फर हटा के उसका स्वीट डीजल बनाता है। स्वीट डीजल बनाता है। अच्छा। तो इसमें सर जो आप हाई सल्फर फीड बता रहे थे, तो ये दोनों यूनिट में हाई सल्फर फीड ही यूज होती है या फिर सिर्फ DHDS में ही हाई सल्फर फीड यूज होती है? DHDS का जो पता है तो हाई सल्फर फीड ही आता है। अच्छा। लो सल्फर फीड होगा तो शायद DHDT में जाता है, और हाई और लो दोनों मिला के भी DHDT जाता है। हाँ। और जिसमें सल्फर की मात्रा 10 BPM में वो OHC यूनिट जाता है, जिसमें डीजल बनाता है। तो इसमें सर जो जैसे डीजल है, तो हम डीजल किसी क्राइटेरिया पे तो बना रहे होंगे, वो क्राइटेरिया क्या है? एक्चुअली डीजल का हम लोग जो मार्केट में बिका जाता है, तो उसका जो जो मान का ध्यान रखा जाता है वो है, उसका सीटन नंबर है,
उसका सल्फर कंटेंट अकॉर्डिंग टू BS6 मॉडल, BS6 अच्छा मतलब ये लेस देन 10 ppm होना चाहिए उसका सल्फर का कंटेंट। तो ये जो है आपका BA6 मतलब भारत स्टैंडर्ड 6 हमारा, अच्छा तो इसमें लेस देन 10 ppm हमारा सल्फर रहता है। और सीटेन नंबर जो होता है वो 51 स्टैंडर्ड है। अच्छा तो इसमें सर जैसे फीड जो सल्फर आपने बताया कि हाई सल्फर फीड आता है वो लेस देन 10 ppm कैसे रिमूव हो जाता है, इसकी प्रोसेस क्या है वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे। एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत रिएक्शन के बारे में बताता हूँ। जो रिएक्शन होता है जो डीजल का पकड़ लो, डीजल का C12 से C17 तक होता है उसका जो हाइड्रोकार्बन नंबर, तो उसमें जो जो सल्फर है ना आर पकड़ लो एल्किन ग्रुप उसमें RSH सब कुछ है उसके साथ हम लोग हाइड्रोजन देता है रिएक्शन में, हाइड्रोजन और कोमो कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करके H2S बनाता है, H2S और स्वीट डीजल। तो H2S तो वो तो खतरनाक है एनवायरमेंट के लिए, उसको भी प्रोसेस करना पड़ता है GHG में। अच्छा तो इसमें सर ऐसा H2S जो है उसे आप हम किस तरीके से कैप्चर करते हैं? हम लोग का एक सेक्शन है जो LP सेक्शन के अंदर ही आता है, वहीं पे एमिन स्क्रबर बोल के एक कॉलम होता है, लीन एमिन आता है और लीन एमिन को H2S को एब्जॉर्ब करता है और H2S होके हमारा यूनिट से आउट होता है, जो कि ना ERU यूनिट एमिन रीजनरेशन यूनिट का फीड है। अच्छा तो इसमें सर जैसा आपका जो फीड है वो मैं मतलब थोड़ा सा प्रोसेस में जानना चाहूंगा, अगर आपको मतलब परमिशन है ऐसा तो सीक्रेट मैं थोड़ा बहुत डीपली बोलता हूँ। तो यहाँ पे जो फीट आता है CDU और RFCC से जो सोर्स ऑफ डीजल आ रहा है उनको फास्ट में जाता है, हम लोग का मैग्नेटिक फिल्टर में जो आयरन का पार्टिकल रहता है वो रिमूव हो जाता है। अच्छा उसके बाद मैकेनिकल फिल्टर आता है, मैकेनिकल फिल्टर में जो सॉलिड मटेरियल रहेगा डीजल के साथ वो आउट हो जाता है। उसके बाद हम हीट एक्सचेंजर के थ्रू कोलाइजर ड्राम जो सार्ज ड्राम होता है कोलाइजर, क्योंकि उनमें जो वाटर का पार्टिकल है वो वाटर एक्यूमुलेट होकर वो वाटर का हम बूटिंग आउट कर सकते हैं। कोलाइजर में हमारा जो है क्या होता है सर? कोलाइजर में जो वाटर का पार्टिकल रहेगा वाटर एक्यूमुलेट होकर वाटर के रूम में हम बूटिंग कर सकते हैं। उनके बाद फीड पंप आएगा सात टाइम के बाद, जो फीड पंप हमारे यूनिट में यूज होता है वो मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है। अच्छा। क्योंकि उसका जो सक्शन प्रेशर है वो शायद 6 kg के आसपास है और उसका आउटलेट जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो अराउंड 65 kg के आसपास है, 65 kg, इसीलिए वो हाई प्रेशर जोन है। अच्छा तो सर ये डिजायरेबल प्रेशर है एक रिएक्शन के लिए, राइट। अच्छा फिर सर क्या होता है? उसके बाद वो हीट एक्सचेंजर में जाता है, दो हीट एक्सचेंजर होके वो फर्नेस में इनलेट करते हैं। फर्नेस में हम लोग थोड़ा बहुत हीट अप करके उसको आउटलेट लेके वो R1 रिएक्टर, हमारा यहाँ पे दो रिएक्टर यूज होता है R1 R2। तो सर ये जो आपने रिएक्शन बताया इसे हमने पंप से 65 प्रेशर KGF मतलब किलोग्राम में आप प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें हमने प्रेशर डेवलप कर लिया, तो रिएक्शन के लिए किसी चीज़ की नीड होती है क्या? इसमें कुछ इनपुट भी देते हैं? हाँ रिएक्शन के लिए तो हमारा डीजल में इंक्लूडेड सल्फर है जो थायल ग्रुप में रहता है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग का हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन भी रहता है जो हीट एक्सचेंजर का जो फीट पंप के बाद में जो हीट एक्सचेंजर में जाता है उनके पहले हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते हैं। अच्छा। सेम प्रेशर में 60 kg के आसपास प्रेशर रहता है वो हाइड्रोजन का, वो हाइड्रोजन सर पंप से ही मतलब इतना प्रेशर जनरेट हो जाता है हाइड्रोजन का, तो हम लोग कंप्रेसर से इनलेट करते हैं। अच्छा कंप्रेसर से इनलेट करते हैं जो रिसाइकल गैस कंप्रेसर होता है। अच्छा अब मैं बाद में आऊंगा रिएक्शन को थोड़ा बहुत आगे बढ़ने दो उसके बाद में। ठीक सर। तो रिएक्टर 1 में जो हमारा दो बेड होता है वहाँ पे कोबाल्ट मॉलिब्डेनियम कैटलिस्ट रहता है जी, और रिएक्शन का जो रिएक्टर 1 का इनलेट टेम्परेचर अराउंड 350 तक हो जाता है, 350 और प्रेशर भी उसका 55 kg तक रहता है जी, और उसके बाद वो जो डिसल्फेशन रिएक्शन वो होता है जी। उसके बाद जो आर का आउटलेट है वो तुम्हारा लेस देन 50 ppm तक आ जाता है सल्फर का कंटेंट, उसके बाद R2 रिएक्टर में इनलेट होता है वहाँ पे डिसल्फेशन रिएक्शन होता है थोड़ा बहुत, और उसके बाद जो होता है मेन नाइट्रोजन रहता है ना, नाइट्रोजन वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके एमोनिया बनाता है और कुछ क्लोरीन रहता है इम्प्योरिटी वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके NH4Cl बनाता है, जो NH4Cl है वो सॉल्ट फॉर्म में आ गए, तो उसको हटाने के लिए हम लोग का वो कुछ वाटर का पार्ट ऐड करना पड़ेगा, जो हमारा यूनिट में ऐड होता है वो BFW ऐड होता है, बॉयलर फीड वाटर।
वो ऐड होके उसको एसी फिन फैन कूलर होके जी मतलब उसको ठंडा करना पड़ेगा, उसको 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में है, तो जी वाटर भी रहेगा तो वेपर फॉर्म में रहेगा और डीजल भी वेपर फॉर्म में रहेगा, तो उसको हम लोग कंडेंस करके लिए कंडेंस करने के लिए और हीट लॉस करने के लिए जी उसको हीट एक्सचेंजर के थ्रू एसी फैन फैन कूलर होके वो V2 सिस्टम में आता है। वीडियो सेंसर में आता है सर। इस पूरे प्रोसेस में मैं बस वो जानना चाहूँगा जो आपने बताया R1 जो रिएक्टर है हाँ हमारा, तो उस रिएक्टर में क्या है? मतलब सिर्फ हमारा डीजल और उसमें हाइड्रोजन मिक्स करके हम उस रिएक्टर में डाल देते हैं, वो एक प्रकार का बेसल है या कुछ उसमें रहता है? आर1 जो रिएक्टर है वो फिक्स बेड रिएक्टर है, जो अच्छा जिसका दो बेड है, जो बेड है वो बेड में कोमो कैटलिस्ट है जी और हाइड्रोजन देता है, हाइड्रोजन देके डिसल्फ्रेशन रिएक्शन हो रहा है जी तो वहाँ पे एस्टर्स बन रहा है, जी और ये ऑन टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन अच्छा राइट, तो उसको जो टेम्परेचर वो गेन हो जाता है तो कैटलिस्ट जो दूसरे वाला बेड में जो कैटलिस्ट है उसके लिए तो खतरनाक हो सकता है, कैटलिस्ट जी डैमेज हो सकता है, तो इसीलिए जी हम लोग रिएक्टर 1 में भी हाइड्रोजन का क्वेंचिंग लाइन देते हैं, क्वेंचिंग मतलब करते हैं क्वेंचिंग सर फिर किस तरीके से? मतलब हाइड्रोजन पहले हमने पंप के बाद ऐड कर दी थी, राइट, फिर अब कहाँ पे मतलब हाइड्रोजन ऐड हाइड्रोजन करना और है? रिएक्टर में जो बेड है पहला जी वाला बेड के बाद भी हम लोग का हाइड्रोजन का एडिंग का लाइन है, अच्छा तो मतलब वहाँ पे जो हाइड्रोजन का टेम्परेचर है वो अराउंड लेस देन वो 350 का 350 डिग्री सेंटीग्रेड रहता होगा, है तो अच्छा इसीलिए उसके वो जो हाइड्रोजन जाता है वो थोड़ा मतलब शीतल है, तो जी उसके लिए वो क्वेंचिंग करके उसका टेम्परेचर अंडर कंट्रोल और रिएक्शन का टेम्परेचर में आता है। आता है। तो मतलब सर जो R1 रिएक्टर है हमारा उसमें दो बेड हैं, पहले और दूसरे बेड के बीच में हम जो है हाइड्रोजन को इनलेट देते हैं। अच्छा तो आफ्टर दैट वो फिर सेकंड रिएक्टर में जाता है, उसमें भी दो बेड हैं, ना सेकंड रिएक्टर में 1 बेड है वन बेड क्योंकि है। हमारा जो मेन डिसल्फ्रेशन रिएक्शन वो आर1 में हो जा रहा है, तो R1 में सर कितने PPM हमने सल्फर यूज कर दिए? आर1 का आउटलेट है उसका लेस देन पकड़ लो तो 15 PPM तक रहता है, 15 PPM 15 PPM। तो इसमें सर जो फीड है हमारा वो कितने PPM सल्फर का आ रहा है? वो अराउंड 3000 के आसपास, थ्री 3000 PPM थाउजेंड के आसपास। 3000 PPM ये तो बहुत ज़्यादा रिकवर कर लेते हैं हम R1 में। अच्छा तो ये सर जब R1 में हमारा इतना रिकवर हो जा रहा है तो R2 की क्या जरूरत पड़ रही है हमें? R2 में जो नाइट्रोजन का कंपोनेंट है, कुछ जी नाइट्रोजन का कंपोनेंट रहता है ना, जी तो जी उसको रिमूव करने के लिए नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है, अमोनिया से अमोनियम कुछ क्लोरीन रहता है जी क्रूड ऑयल में और जी डीजल में सोसाइट डीजल में, तो उसके साथ रिएक्ट करके वो H4Cl बनाता है, अच्छा और कुछ ऑलिफिन और एलोमेटिक रहता है उसका हाइड्रोजन रिएक्शन होके वो सैचुरेशन बन के पैराफिनिक बेस होता है। अच्छा तो इसमें सर R2 में सेम कैटलिस्ट है या वो डिफरेंट कैटलिस्ट है? कोई सेम कैटलिस्ट सेम कैटलिस्ट है। अच्छा तो आपने आफ्टर दैट बताया कि इसे हम हीट एक्सचेंजर के थ्रू ठंडा करके एक वेसल में ले जाते हैं। राइट, और 3 स्टेज सेपरेटेड ड्रम है, अच्छा जो वेसल है वो हमारा 3 स्टेज सेपरेशन ड्रम है। ओके तो किस प्रकार का सर सेपरेशन हो रहा क्योंकि है? वो जो मेरे रिएक्शन के बाद वो V2 ड्रम में ले गए प्रोसेस फ्लूइड, उसमें जी रहता है हमारा गैस का पार्ट रहता है, जी डीजल कंडेंस का पार्ट रहता है, जी और कुछ BFW ऐड किए थे ना जो जी सॉल्ट को रिमूव करने के लिए, जी वो सॉल्टी वाटर रहता है। अच्छा राइट, वो सॉल्टी और वाटर को हम लोग बूटिंग के थ्रू आउट करते थे, जी सर और जो गैसेस पार्ट है गैसेस पार्ट में हमारा रहता है हाइड्रोजन H2S कुछ मीथेन जी सर फर्स्ट रिसाइकल गैस रहेगा। जी राइट, और जो कंडेंस पार्ट लिक्विड पार्ट में आएगा जो डीजल का कंडेंस पार्ट रहेगा, तो फर्दर सर क्या करते हैं फिर? तो उसका हम लोग 2 पार्ट लेके सोचेंगे, तो उसका जो टॉप पार्ट है उसका गैसेस पार्ट है, जी टॉप पार्ट में जो है तो बताया हुआ है, उसके बाद हम लोग कूलिंग वाटर से वो प्रोसेस गैस को जो टॉप गैस को इकट्ठा करके जी और दूसरे एक फेसल में ले जाता है, जी और दूसरे एक फेसल में ले जाके उसको जो डीजल का कुछ वेपर पार्ट रहेगा तो कंडेंस हो जाएगा, वो कंडेंस होकर उसको बॉटम पार्ट को हम लोग P2 जो है ना सेपरेटेड ड्रम जी उसका बॉटम के साथ ऐड कर देता है, ऐड कर देते हैं। राइट, ओके उसमें तो सिर्फ गैस ही रहेगा, H2S हाँ हाइड्रोजन रहेगा जी। उनके उसके बाद हम लोग C1 एक स्क्रबर कॉलम होता है, स्क्रबर कॉलम से क्या मतलब है सर? राइट, वहाँ पे जो लीन एमिन है उसका इनलेट में, और लीन एमिन लेके हम लोग H2S को एब्जॉर्ब करके रीच एमिन ओके बनाते हैं। अच्छा मतलब वो कॉलम जिसमें हम H2O को एब्जॉर्ब कराते हैं लेना मीन से, वो स्क्रबर कॉलम है हमारा। ओके तो उसमें सर स्क्रबर से हमने जो है आपका H2S को एब्जॉर्ब करा लिया, फिर क्या होता है? H2S को एब्जॉर्ब करा के हम लोग वो तो रीच एमिन बना बन गया, जी तो हम लोग बैटरी लिमिट के थ्रू जी और दूसरे लिमिट में भेज देता है,
तो उसमें जो हाइड्रोजन और मीथेन गैस रहेगा रहेगा जी वो तो रिसाइकल गैस बोल सकते हो, कुछ ऑफ गैस भी बोल सकते हो, जो क्या हमारा जो F1 फर्नेस है, फर्नेस का फोइल का रूप में भी काम आ जाता है। मतलब सर H2S तो हमारा एब्जॉर्ब हो गया, तो उसके बाद हमें क्या मिलता है? रिसाइकल गैस का अंदर तो तुम्हारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, रहेगा, अच्छा मीथेन। अच्छा हाइड्रोजन मीथेन मिलता है, तो वो हमारा रिसाइकिल कर लेते हैं फर्दर फीड में यूज़ के लिए। और डीजल सर हमें कहाँ से मिलता है एग्जैक्टली? चलिए जो उसको बॉटम पार्ट है, बॉटम पार्ट में बॉटम पार्ट का उसको फिर से उसको हीटअप करने पड़ेगा जो स्टीम के अच्छा लिए। अच्छा 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 तो बॉटम पार्ट को लेके हम लोग हीटिंग करके या हीट एक्सचेंजर थ्रू उसके बाद वो स्टीपर कलर में ले जाता है। स्टीपर में ले जाते हैं जी। स्टीपर कलर में हम लोग वहाँ पे स्टीम दे के उसको स्टीपिंग करके उसका जो लाइटर पार्ट है उसका कुछ एब्जॉर्ब्ड स्पेस रह जाएगा तो वो आउट कर सकते हैं। जी और डीजल में, सावर डीजल में कुछ लाइटर नेप्था रहता है, लाइटर लाइटर मिल जाता है कंपोनेंट जी। C3 C4 इंजन और C5। अच्छा वो लाइटर कंपोनेंट को हम लोग स्टीपिंग करके स्टीपिंग आउट करते हैं, स्टीपिंग करके उसको लाइटर कंपोनेंट को हम लोग टॉप से आउट करते हैं और बॉटम जी से हमारा जो डीजल का स्वीट डीजल का कंडेंसेशन जो स्वीट डीजल का पार्ट वो आउट हम और लोग मतलब वहाँ से हमें डीजल स्वीट डीजल मिल टॉप जाता है। सर मैं यहाँ तक तो ठीक समझ रहा हूँ, बट ये आपने कहा कि MP स्टीम देके, MP स्टीम आप तो वो रिवॉयलर में देते हैं या कॉलम में देते एक्चुअली हैं? जो डीजल जो हम लोग सेपरेट करते हैं वो MP स्टीम देते हैं, क्योंकि MP स्टीम डीजल के साथ जाएगा तो डीजल के साथ जाएगा तो इतना ज्यादा क्षतिकारक नहीं होगा, तो डीजल का अच्छा डीजल से हम लोग आउट कर सकते हैं बाद में अच्छा बॉटम नंबर। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ तक मैंने पूछा है लोगों से, तो वो कहते हैं कि स्ट्रिपर में एक रिवॉयलर होता है, तो ये एक नया केस है कि इसमें हम स्टीम डायरेक्टली दे रहे हैं। तो उसमें से सर जो आपने एक नेफ्था का यूज किया था कि नेफ्था भी मिल रहा है हमें? हाँ एक्चुअली जो स्टीपर कॉलम है उसका आउटर प्रोडक्ट में तुम देखोगे तो हाइड्रोजन गैस रहेगा, H2S रहेगा और जी कुछ लाइटर नेफ्था का पार्ट रहेगा। हाँ लाइटर नेफ्था पार्ट रहेगा तो लाइटर तो। नेफ्था पार्ट रहेगा तो उसको फिर से हम लोग कॉन्डेंस ड्रम में ले जाता है जो टॉप प्रोडक्ट में अच्छा कंडेंस करके तो लाइटर नेफ्था पार्ट वो कंडेंस होकर नीचे आ जाएगा अच्छा। वो कंडेंसर में तो सर नेफ्था जो स्प्लिटर जो उसको बोलता है नेफ्था स्प्लिटर ड्रम। नेफ्था स्प्लिटर, तो सर वो जो नेफ्था है वो नेफ्था वही है जो हमें मदर यूनिट CDU से मिलता है, या ये नेफ्था अलग है कुछ? नेफ्था जो जो CDU यूनिट है, CDU यूनिट में जब हम लोग डिस्टिलेट करते हैं तो जी डीजल के साथ लाइटर नेफ्था का पार्ट कुछ रह सकता रह है। जाता है। अच्छा वो एक मतलब नेफ्था वैसा ही है आपका कुछ? ओके तो यहाँ से तो हमें सर आपका स्वीट डीजल मिल गया। हाँ नेफ्था स्प्लिटिंग करके उसको जो हाइड्रोजन गैस और H2S गैस वहाँ पे भी है वाह तो अच्छा उसको उसको भी फिर से हम लोग एक कलम में ले जाते हैं जी। जो जहाँ पे एमिन वास होता है जो लीन एमिन वास होता है वो एब्जॉर्ब H2S को एब्जॉर्ब करके रिच एमिन हो जाता है अच्छा तो और बढ़िया। हमारा अब गैस बन गए वो फ्लेयर में हम लोग ऐड कर देते हैं फ्लेयर सिस्टम। ओके उसे फ्लेयर में ऐड कर, मतलब फिर वहां से हम नेफ्था को भी, नेफ्था से जो H2S है उसे भी रिमूव कर देते रिमूव हैं। करके वो हाइड्रोजन और कुछ मीथेन जैसा रहेगा तो थोड़ा अच्छा बहुत रहता है उसको रिसाइकल क्लियर में ले सिस्टम जाते के साथ हैं। ऐड करते हैं। तो यहाँ से इतने प्रोसेस से हमें सर लास्ट में जो है डीजल मिल जाता है और जो स्टीपर कलम है उसका आउटलेट में डीजल होता है, डीजल जी। को और डीजल का आउटलेट टेम्परेचर 280 तक रहता है, उसको पहले उसका जो डीजल का कुछ वेपर पार्ट भी रहता है उसमें जी तो कंडेंस के पार्ट के साथ साथ तो उसको पहले उसको सेंसिबल हीट रिमूव करना पड़ता है, जी उसके बाद वो एसी फैन कूलर में लैटेंट हीट रिमूव करके वो डीजल का कुछ वेपर पार्ट रहेगा तो कंडेंस होकर डीजल के साथ स्वीट डीजल बन जाता है। ओके तो वो सर फिर हमारा जो है डिस्पैच हमारा मार्केट में होने के लिए तैयार हो जाता है उसके बाद? हाँ वो उसका हम लोग जो डीजल से सल्फर हटाते हैं, जी एक्चुअली हमारे यूनिट में उतने ज़्यादा भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं होता है जो अच्छा डीजल का सीटिंग नंबर इम्प्रूव कर इम्प्रूव सके, कर सके वो डिसल्फेशन रिएक्शन ज़्यादा होता है ज़्यादा तो होता उसके बाद वो जो DATT का प्रोडक्ट है जी और DATT का प्रोडक्ट को ब्लेंड करके उसके बाद वो DBS6 का नॉर्म मेंटेन करके उसको मार्केट में मार्केट में दे जाता है। देते हैं। तो सर जो आपने वर्ड यूज़ कराया है हाइड्रोजनेशन और डिसल्फराइजेशन, वो मैं डिफरेंस जानना चाहूँगा कि इसमें डिफरेंस क्या है? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन डिसल्फेशन रिएक्शन इज वन टाइप ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कह सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन देके हम लोग H2S बना रहे हैं जी राइट। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जो ओलिफिन और कुछ ओलिफिन और अनसेचुरेटेड पार्ट रहेगा जी डीजल का वो सेचुरेटेड हो जाएगा पैराफिन बेस में, कुछ पैराफिन एरोमेटिक रहेगा तो नॉर्मल हेक्सन में नॉर्मल हेक्सन में ब्रेक हो जाएगा, तो ओके उसके बाद वो उसका जो पैरा जो सीटेट नंबर इम्प्रूव होता है, जो अच्छा हाइड्रोजनेशन मोर ज़्यादा होगा तो सीटेट नंबर इंक्रीज करेगा वो अच्छा है, मतलब डीजल नंबर का डीजल का सीटेट नंबर अच्छा है। अच्छा है।
और सर इसमें जो हमारा DSDS यूनिट आपने बताया, इसका जो टेम्परेचर प्रेशर है वो इन कंपेरिजन ऑफ DSDT कम रहता है, तो इतना कम हम क्यों रखते हैं? हम DSDT के अकॉर्डिंग भी हाई प्रेशर कर सकते हैं, तो ऐसा क्यों क्यों है? एक्चुअली जो DSDT यूनिट है न्यू यूनिट है जी। जो हमारा जो DSDS यूनिट है वो बहुत पुराना है, तो उसका जो इक्विपमेंट है और कुछ रिएक्टर और फर्नेस उसका डिजाइन प्रेशर ही है DSDT के DSDT से लेस। अच्छा। तो उसका डीजन प्रेशर जब बनाया गया था उसका जो डीजन प्रेशर रहेगा ना, तो डीजन प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग उतना ज़्यादा तक प्रेशर ले जा सकते नहीं ले जाते। ओके, इसमें सर अब मैं पहले एक सर से वार्ता हुई थी DSDT पे, तो उन्होंने एक इक्विपमेंट का नाम लिया था साल्ट ड्रायर, तो वो उस यूनिट पे था, तो यहाँ पे से आपने बताया कि हम साल्ट को रिमूव करने के लिए BFW ही ऐड करते हैं, तो क्या यहाँ साल्ट ड्रायर नहीं है, BFW से ही हम साल्ट रिमूव कर लेते हैं? साल्ट ड्रायर यहाँ पे भी है, जो डीजल का प्रोडक्ट बन गया ना सिटी कलम से, हम लोग उसके बाद उसको हीटलेस करके और हीटलेस करके एसी पिन पंप कूलर थ्रू उसको साल्ट ड्रायर में ले जाता है, क्योंकि हम लोग तो स्टीम भी ऐड किए थे ना जो सिटी कलम में, वो स्टीम भी हट जाता है साल्ट ड्रायर में साथ के। अच्छा। ओके, तो मतलब सेम है, दोनों यूनिट सेम है बट टेम्परेचर और प्रेशर का डिफरेंस है, वो न्यू यूनिट है वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे वर्क कर रही है। ओके, तो सर इस ये तो हमारा डीजल का रहा, बट एक हमारा जेन्युइन सवाल रहता है जो पब्लिक में आ रहा है कि डीजल मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है बहुत एक्सपेंसिव आने होने लगे हैं, पहले कम दाम था अब दाम बढ़ गया है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या गवर्नमेंट रीज़न है या रिफाइनरी में ही कुछ हमें मतलब एक्सपेंसिव हो रहा है ऐसा? ऐसा कुछ नहीं, तो आगे जैसे था वो रिएक्शन का टेम्परेचर प्रेशर और कुछ रिएक्शन का डिजाइन यूनिट का डिजाइन वो तो पहले से ही सेम ही है बट उसका अंदर का है वो तो मतलब ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट रीजनेबल है इसके पीछे कि इतना दाम जो है बढ़ रहा है क्योंकि चीजें सारी सेम ही है, टोटल का भी दाम वेरी कर रहा है। अच्छा, टाइम टू टाइम इसके लिए वो वेरी हो सकता है, मतलब जो हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसका कंजप्शन ज्यादा हो रहा है इसके पीछे ये भी रीजन हो सकता है, रीजन हो सकता है। और जो हमारा क्रूड ऑयल आता है जी बाहर सारा देश से जी, तो उसका तो दाम वेरी करता है ना। अच्छा, तो इसमें सर आप काफी टाइम से हैं रिफाइनरीज में, तो कैसा आपका लाइफ का क्या कहना चाहेंगे? मैं कईयों से ये सवाल पूछ रहा हूँ, सबका कहना ये है कि मतलब रिफाइनरी मतलब आपका लाइफ का जो टाइम है टाइम ड्यूरेशन जो है वो कम होना है, तो आप ऐसा मानते हैं कि जिंदगी कम होती है रिफाइनरीज में? नहीं, रिफाइनरी में भी एक्चुअली जो कर्मो का प्लेस है जी वहाँ पे अपने एंजॉय करना चाहिए, जो कर्मो है उसका मतलब जो हमारा काम है उसे प्यार से करेंगे, जब जा करो एंजॉय से करो, एंजॉय से अच्छा लगेगा तुम्हारा। अच्छा, जो अप्रेंटिसशिप हो परमानेंट हो कोई हाँ मतलब जो भी वहाँ पे जाए चाहे वो अपने मतलब कोई भी वर्क करे वो प्यार से करे तो बेटर है, तुम्हारा जो फोकस है वो फोकस्ड रहो। तो आप सर DSDS यूनिट में है ये, हालांकि देश के लिए जो हमारा जितना भी व्हीकल हैवी व्हीकल है सब में डीजल यूज होता है, तो आपको कुछ ऐसा नहीं लगता है कि मैं बहुत अच्छी यूनिट में हूँ ऐसा कुछ फील होता है? एक्चुअली तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है सभी का ही जो क्वालिटी और उसका फंक्शनलिटी देखेगा तो सभी यूनिट का प्रोडक्ट का फंक्शनलिटी अच्छा है, तो अच्छा। डीजल यूनिट से काम कर रहे हैं तो डीजल का अच्छा है। ओके, ऐसे मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि जैसे जो हमारा डीजल है वो हैवी व्हीकल्स में क्यों यूज़ होता है, वो मोटर बाइक्स में यूज़ क्यों नहीं होता है? एक्चुअली डीजल जो होता है वो तो मोटर व्हीकल के लिए तो जो डीजल होता है उसका जो इंजन वो मोटर स्पीड के लिए होता है मोटर स्पीड के लिए उसका जो क्वालिटी अपग्रेडेशन में जाता है, मोटर स्पीड जो पेट्रोल जाता है वो उसका ऑक्टेन नंबर बोल के एक होता है उसको स्टैंडर्ड करके उसका ऑक्टेन नंबर इम्प्रूव करते हैं। जो हैवी व्हीकल है उसके लिए तो सीटन नंबर, और डीजल का जो इंजन है वो डीजल इंजन एक्चुअली सीटन नंबर का रिफरेंस करके उसको डिजाइन किया गया। अच्छा, मतलब ये डिफरेंस है रहता है हमारा। ओके, सीटन नंबर अच्छा होने से उसका ऑटो इग्निशन डिले लो रिलीज होगा, उसके बाद इंजन ज्यादा एफिशिएंट होगा। अच्छा, इसीलिए सीटन नंबर इंप्रूव करते हैं। तो सर DSDS यूनिट में आप इतने वक्त से हैं और आपको उसमें अच्छा भी लगता है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? रिफाइनरी जो हमें फैसिलिटी देती है, जो हमारा सेल पैकेज देती है हमें, वो है या रिफाइनरीज में काम करने का शौक ही है सर? नहीं, एक्चुअली मेरा जो डिसिप्लिन दूसरा था वो टेक्निकल नहीं था, टेक्निकल लाइन में आया है जी, तो कुछ नया नया चीज सीख रहा है।
तो अच्छा लग रहा है, तो कुछ नया सीखेंगे नया करेंगे, वही तो अच्छा है लाइफ का, वो बात वही है। तो रिफाइनरी में जो आए हैं मैं हीट एक्सचेंजर रिएक्टर और जो जो चीज़ है जो इक्विपमेंट है वो मेरे पास मेरे ख्याल से वो न्यू था, तो न्यू एंगल से मैं वो उसको एनालाइज किया है तो अच्छा लगा। अच्छा मतलब लाइफ में नई चीज आ रही है तो उसे देख के अच्छा लगता है, नई चीज कर रहे हैं। थ्योरेटिकल चीज पढ़े थे उसका प्रैक्टिकल रिफाइनरी में हो रहा है। अच्छा, और सर क्या आगे का आपका प्लान है कि आप भविष्य में रिफाइनरी के साथ बने रहना चाहेंगे या फिर आगे चल के कुछ? वो तो लाइफ में देखा जाएगा, लाइफ में आगे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते बढ़ते जैसा रहेंगे। आपके जो जूनियर्स आएंगे ट्रेनी पे और जो परमानेंट के आएंगे तो उनके लिए आप कोई बंगाली में मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं? हाँ जी, तो बिल्कुल তোমরা আসছো যখন রিফাইনারিতে, রিফাইনারি কোনো ইউনিট সম্পর্কে বা রিফাইনারি ভিতরে ফাংশন জানতে, তখন এসে হয়তো আমরা পিএসসি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছি, তো হয়তো আমাদের ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল যে কনসেপ্টগুলো ওগুলো তো ক্লিয়ার থাকবে না। তো সেক্ষেত্রে প্রথমে যে ম্যানুয়াল আছে প্রত্যেকটা ইউনিটের ক্ষেত্রে, ম্যানুয়ালের প্রসেস ডিসক্রিপশন দেখো, তারপরে নতুন ছোটো ছোটো যে জিনিস, যে ভাল্ব আছে, হিট এক্সচেঞ্জার আছে, রিয়্যাক্টার আর কিছু এসি ফিন ফ্যান কুলার, ওইগুলো সম্পর্কে জানার চেষ্টা করো। তারপরে তুমি ওইগুলো জেনে গেলে ওইগুলো কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে গেলো, তারপরে তুমি ইউনিটের একটা প্রসেস ডিসক্রিপশন নিয়ে তুমি প্ল্যান্টে যেতে পারো। তারপর তুমি প্ল্যান্টে যারা ইনচার্জে থাকবে তাদেরকে নিয়ে গিয়ে তুমি বুঝতে পারো, অবশ্যই নিরাপদ নিজের নিরাপত্তা খেয়াল রেখে নিরাপত্তার সহিত কাজ করতে হবে। तो सर ये जो आपने मैसेज डिलीवर करा ये तो अच्छा है, बट हम जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली आपने क्या कहा है, क्योंकि हमारी तो बंगाली अच्छी नहीं है, हम नहीं समझते, मतलब थोड़ा समझते हैं बट फिर भी जो जो नहीं समझते हैं हमारे साथ के, उनके लिए एक बार सर हिंदी में बताएंगे क्या? मैं कहना चाहता हूँ जो जो लोग रिफाइनरी में आ रहे हो जी, जो जो दूसरा बैकग्राउंड से नॉन टेक्निकल से है, तो इस उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ क्या, जो आके तुम लोग घबराओ मत जी, छोटे छोटे चीज से स्टार्ट करो। जो तुम्हारा हीट एक्सचेंजर है, पंप है, तुम्हारा जो रिएक्टर है और वाल्व है, वो उसका कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद उसको कुछ रिफाइनरी का जो यूनिट होता है, यूनिट का तुम प्रोसेस डिस्क्रिप्शन देखो, उसके साथ साथ तुम फील्ड में जाया करो, जो फील्ड का इंचार्ज में रहता है, प्लांट के इंचार्ज में रहता है, उनके साथ जाओ। और हमारा अब समय ख्याल रखना क्या, जो तुम्हारा जो सेफ्टी है वो सेफ्टी के साथ काम करो, सेफ्टी के साथ फील्ड में जाओ। अच्छा, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा सर कि एग्जैक्टली अगर आप आ रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है, रिफाइनरी एक जस्ट टेक्नोलॉजी है जो हमें समझनी है और सेफ्टी का ध्यान रखना है, क्योंकि लाइफ जो है वो प्राइसलेस है। ठीक है, हिंदी इतना जैसा अच्छा नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है सर, बढ़िया, हमसे तो बेहतर ही है, हम तो मिक्स लैंग्वेज वाले हैं। अच्छा नहीं, फिर भी सर बढ़िया है, हम तो एक ही लैंग्वेज में हिंदी वाले हैं बट आपको दो लैंग्वेज आती है, इट्स गुड। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, इसी वार्ता को यहीं पे विराम देते हैं, आगे जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी, तब तक कृपया लाइफ से जुड़े रहिए। थैंक यू।